यहाँ अभी चलते हुए ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि वो भूत वाली पिक्चरों में ऐसा सीन रहता है दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं इस जंगल में, और यहाँ जंगल में हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं दुखथंबा माता मंदिर में, जो कि यहाँ इस प्रकार का है। ये देखिए अनुराग भाई, और अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और ये भाई साहब को देखो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं अभी भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया हैं, मैं भी बढ़िया। अब मेरे साथ हैं भी अनुराग भाई जी, और आज हम जा रहे हैं दुखथंबा माता मंदिर में, जो कि पोखरी के गुनियाला के ऊपर पड़ता है। और अभी हम ये हैं पैडल ट्रैक पे दोस्तों। तो ये हम कुछ दूर आ चुके हैं, और ये देखिए पोखरी का व्यू यहाँ से काफ़ी सुंदर लगा है, दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आजकल थोड़ा जंगलों में आग लगी है, जिस कारण से काफ़ी धुआं जैसा फैला हुआ है, तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और यहाँ पे पड़ता है आदर्श विद्या मंदिर। ये देखिए, और यहाँ पे ये किसी घसियारी का घास का भारा यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन पे विद्यालय है, और लोग यहाँ गाय चराने भी आ रखे हैं। और ये पेपर लीक हो रहे हैं गाय, ये देखो। और अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है शायद, वहाँ या वहाँ, मुझे भी ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं गाइस। अभोरिष्ट वीडियो का। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं मंदिर में। ये देखिए आपको सामने ऊपर पे दिखाई दे रहा होगा मंदिर हो रहा, और अनुराग भाई को देख के लग रहा है कि ये एकदम एनर्जेटिक है। यहाँ देखिए इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा ये थके होंगे, थोड़ी एनर्जी क्या लेके। हाँ तो अनुराग भाई जी का है आज नवरात्रे का फर्स्ट शो वाले हैं ये और मेरा भी फास्ट है गाइस, लेकिन मेरा ट्यूसडे का फास्ट रहता है। और चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तब तक यहाँ की लोकेशन देख लो, उतारते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी आज काफी लोग आए हुए हैं, नवरात्र का शुरुआत का दिन है, इसलिए यहाँ भी काफी भीड़ है। ये देखिए और ये यहाँ का मंदिर। और दोस्तों और पोखरी पड़ता है थंबेश्वरी मंदिर के एकदम से पीछे से, ये देख सकते हैं आप लोकेशन। एक तो ये आग ने ना सारा ख़राब कर दिया यहाँ का आजकल, ना इधर की लोकेशन दिख रही ना कुछ दिख रहा। कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, और यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ भी खींचे। और दोस्तों बताइए आपको मेरा व्लॉग में मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों दुखथंबा से आने के बाद हम आते हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था तो हम आते हैं नागनाथ, और हम जाएंगे यहाँ ऊपर वाले मंदिर जो यहाँ ऊपर पड़ता है। तो चलो चलते हैं ऊपर, और अब फील्ड में भी जाएंगे।
चलो जी बता आ जाओ मंदिर। ये देखिए यहाँ का कुछ इस प्रकार का व्यू है, काफ़ी सुंदर सा व्यू है। और यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ तो मैं सोच रहा था यहाँ बाइक लेंगे लेकिन कैसे ले जाएंगे, है ना। यहाँ को तो दोस्तों ये है नागनाथ के पीछे जो शिव मंदिर है, ये देखिए। तो यहाँ कोई त्यौहार आता है तो उस टाइम पे यहाँ काफ़ी भीड़ बाहर रहती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ रौनक रहती है। ये देखिए अनुराग भाई कैसा लगा यहाँ आके? सुकून सुकून। अनुराग भाई कर रहे हैं फोटोग्राफी और ऊपर है जंगल, अभी हम ऊपर की साइड जाएंगे जहाँ जंगलात विभाग का ऑफिस है शायद वहाँ। कैसा लगा आपको ये फील्ड जरूर बताएं कमेंट करके। और ये हमारे कैमरामैन अनुराग रावत जी के साथ क्रू मेंबर साथ में व्यू तो काफी सही है यहाँ का, है ना। ये देखिए दूसरी साइड को हमें दिखता है देवर, ये पूरा जो एरिया है देवर है। और वो जो सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं वो हैं ITI और यहीं पे हमारा पॉलीटेक्निक कॉलेज भी है पोखरी में। पोखरी में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, पॉलीटेक्निक, ITI, PG, UG सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो यार, देखिए कसम से लिटरली नाइस वन। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, ये देखिए आप, हम एकदम नागनाथ के टॉप में आ चुके हैं। यहाँ का ये देखिए वन उत्तराखंड कार्यालय है, यहाँ वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ, वन क्षेत्र केदारनाथ, वन्य जीव प्रभार गोपेश्वर, ठीक है ये देख सकते हैं आप। तो हम लास्ट पे आ चुके हैं, यहाँ रोड ख़त्म हो जाती है, मतलब एकदम ऑफ रोडिंग की हमने आज। अरे मुझे लगता है मैंने बाइक गलत जगह लगा दी। यहाँ अभी चलते हुए ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि वो भूत वाली पिक्चरों में ऐसा सीन रहता है। दोस्तों तो आज हम जा रहे हैं जंगल में और यहाँ जंगल में हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे किसी ने कोई नोट छोड़ रखा है, लिखा है चले जाओ। ये देखिए दोस्तों आप भूल कर भी ऐसी जगहों पे ना आए, कहते हैं यहाँ जंगली जानवर और भूतों का साया रहता है। आज मैं लोगों की वही बात को गलत साबित करने आया हूँ। पूरी वीडियो देखो, डरो मत, पूरी वीडियो देखो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं काफ़ी आगे ऊपर की तरफ नागनाथ से और यहाँ पे जो हमारी रोड है वो भी वहाँ पे समाप्त हो चुकी है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक, ये देखिए लगभग ये 10 लाख लीटर की टंकी होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। मुझे इस रास्ते पे बेताल जैसा दिखा कुछ भी अरे पास की टंक, हाँ तो बिल्डिंग है भाई, चलो अवैध निर्माण जिसके सर्वनाम मिल गए जांच के लिए। अवैध निर्माण नहीं ये कुछ है, तो ये पता नहीं क्या है और हमें लगता है, मुझे लगता है ये कोई भूतिया भूतिया टाइप का कोई घर है। ये देखिए और मुझे लगता है अंदर नहीं जाना चाहिए हमें। भाई मत जाओ, नहीं होता जैसे, भाई मत जाओ मत जाओ।
अच्छा, ये वाटर प्रोजेक्ट है कुछ, है ना? ये पानी का फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए ना, ये देखो पानी का फिल्टर वगैरह होकर वो नीचे टैंक में जाएगा, ऊपर देखो वो टैंक लगे हुए हैं, और यहाँ जो देख रेख के लिए किया गया होगा ये सारा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मिल गया है माँ क्या लिखा हो, हाँ, माँ का मंदिर रास्ता, माँ मंदिर का रास्ता होना चाहिए था इसको ना। काफी क्लोज है यार, मुझे लगा ये क्या घूम 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 करे। चलें चलें गाड़ी बंद, रेडियो कैमरा हाथ से नहीं छूटना चाहिए, चाहे जान छूट जाए, और भालू भूलू दिखे तो यहाँ भागना है भाई। किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है ऊपर ऊपर की तरफ से, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। सुनो, तो दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ कोई ना कोई है, या कोई आवाज़ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों तो हम ये देखिए जो इस जगह से काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, और अभी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और ये भाई साहब को देखो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं अभी भी। तुम डेली फास्ट रखा करो भाई, तुम डेली फास्ट रखा करो। हाँ, बाकी जो व्लॉग देख रहे हैं रात को खाना भिजवाते रहना बिना प्याज लहसुन का। हाँ, तो अनुराग भाई का फास्ट रहता है नवरात्रों में, तो बिना प्याज लहसुन का प्याज। प्योर खाना भिजवा देना इनके लिए, बड़ी मिन्नतों के बाद। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरे पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर वाकई में कितना ज़्यादा टॉप में है। काफ़ी नीचे है, जहाँ हमने बाइक लगाई थी उससे काफ़ी नीचे हैं, और लोग भी यहाँ काफ़ी आए हुए हैं। ये देखिए दो लोग यहाँ पे सामने से ऑलरेडी हैं, और हिमांशु भाई एकदम आगे से चल रहे हैं। और यहाँ मैं सच बताऊँ तो आपको, मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ इतना बड़ा मंदिर होगा। ये देखिए गाइस, ये रहा यहाँ का मंदिर, और चारों तरफ घना जंगल एकदम। थक गए? ध्यान में रख लेंगे यार, मत करो बंद, ऐसे रख लेंगे। हमें थोड़ा पता क्यों हो सकता है ब्रांड से रहा लसीन। तो चलो दोस्तों, तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर, और ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा बन चुका है, और कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।